हेलो पेरेंट्स, बच्चे के शरीर के लिए दूध की कितनी इम्पोर्टेंस है ये हम सब जानते हैं, बट कई पेरेंट्स के मन में ये कन्फ्यूजन रहता है कि एक साल के बाद कौन सा दूध देना चाहिए और कितनी मात्रा में देना चाहिए। सो आज इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एंड इंडियन अकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स, 2 साल तक बच्चों को मदर्स मिल्क और ब्रेस्ट मिल्क दे सकते हैं एज इट इज़ अ कम्प्लीट न्यूट्रिशन। बट अगर किसी कारणवश मदर्स मिल्क अवेलेबल नहीं है, जैसे कि वर्किंग मदर्स के कंडीशंस में होता है, तब हमारे पास क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं। पहला है फॉर्मूला मिल्क, जो कि स्टेज 3 फॉर्मूला आफ्टर 1 ईयर हम यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट, जो फुल क्रीम पैकेट मिल्क होते हैं वो हम यूज़ कर सकते हैं, एज हाई फैट हेल्प्स इन ब्रेन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बेबी। एंड वी कैन ऑल्सो यूज़ काउ मिल्क, हम काउ मिल्क भी यूज़ कर सकते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैंने काउ मिल्क को लास्ट में क्यों बोला है, क्योंकि काउ मिल्क में बहुत सारे जो इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं वो कम होते हैं, उनकी डेफिशिएंसी होती है, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो कि आयरन है उसकी काउ मिल्क में डेफिशिएंसी होती है, बहुत ज़्यादा कमी होती है। और जब हम काउ मिल्क लेते हैं तो बच्चे के जो शरीर में इतना एब्जॉर्प्शन आयरन का उतना अच्छा होता नहीं है, जिससे कि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होने का खतरा रहता है। ऑल्सो काउ मिल्क में बहुत सारे जो न्यूट्रिएंट्स और कुछ मिनरल्स होते हैं, जैसे कि मैग्नीशियम है, फॉस्फोरस है, वो बहुत ज़्यादा हाई मात्रा में होते हैं, जिससे बच्चे को डिहाइड्रेशन होने का खतरा भी रहता है। बफेलो मिल्क के बारे में अगर बात की जाए तो बफेलो मिल्क में बहुत ज़्यादा फैट होता है, बहुत ज़्यादा प्रोटीन्स होते हैं, जिससे बच्चों को डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, इसलिए वो अवॉइड करना चाहिए। नेक्स्ट, ये पेरेंट्स का सवाल रहता है कि हमें मिल्क कितने अमाउंट में देना चाहिए। अगर आप पैकेट मिल्क दे रहे हैं, फॉर्मूला मिल्क दे रहे हैं या काउ मिल्क दे रहे हैं, तो पहले 1 या 2 साल के दौरान पूरे 24 घंटे में यानी कि पूरे दिन के दौरान बच्चे को 300 ml से 400 ml से ज़्यादा नहीं देना चाहिए, क्योंकि अगर इसे ज़्यादा दिया जाएगा तो बच्चे को एक फुलनेस की सेंसेशन रहती है, बच्चे को लगता है कि मेरा पेट भरा हुआ है और वो दूसरा खाना कम खाता है, और आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होने का खतरा, बाकी अगर खाना कम खाएगा और आयरन की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो आयरन डेफिशिएंसी होने का खतरा भी रहता है।